काशीपुर में रामनगर रोड स्थित एसबीआई के सामने कांग्रेस नेताओं ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड के दानकर्ताओं का नाम उजागर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड के दानकर्ताओं का नाम उजागर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया ये जनता को जानने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, लेकिन एसबीआई भाजपा के दबाव में काम कर रही है, इसलिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। पार्टी युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, छात्र संघ, जितनी भी कांग्रेस पार्टी है एसबीआई के सामने यहां आज धरना प्रदर्शन कर रही है। उसका मेन मतलब और मकसद यह है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जो बॉन्ड जिन जिन बड़े बड़े लोगों के बॉन्ड बने हुए हैं, उसको एसबीआई सार्वजनिक क्यों नहीं कर पा रही है? क्या एसबीआई किसी के दबाव में ऐसा ना कर रही है? हमारी मांग है कि हम, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एसबीआई काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि एसबीआई तुरंत ही इन बॉन्डों को सार्वजनिक करे, चुनाव से पहले सार्वजनिक करे, क्योंकि चुनाव से पहले सार्वजनिक करने में जनता को, इस देश की जनता को ये एक पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने कितने बड़े कद्दावर लोग, कद्दावर नेता जिन्होंने बॉन्ड कर रखे हैं, उसको सार्वजनिक करना, भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग जाए कि हम कितने बड़े इस देश के हितैषी हैं। कांग्रेस पार्टी ने यही मांग की है कि इन बॉन्डों को चुनाव से पहले सार्वजनिक किया जाए, ताकि देश की जनता को यह पता चले कि इस देश में कौन चोर है, कौन देश का रखवाला है, कौन देश का विकास करने वाला है, ये कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।